السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. तो ये जो बेल आइकॉन की घंटी है इसको दबा दें, इसको पुश कर दें ताकि जो भी हमारे वीडियो अपलोड होते रहें तो आप तक वो नोटिफिकेशन आती रहे. तो हम बताने वाले हैं कि क्रेन सेट का बैरिंग उसको दिखा रहे हैं अभी. जैसे कि ये बैरिंग है, ये बैरिंग है, ये बैरिंग कैसे लगाएंगे, अंदर का होता है ये कट वाला बैरिंग है, ये फोल्डिंग कैम है, ये देखिए. तो हम अभी खोल लें इसको. देखिए हम इसको खोलते हैं. तो इसको खोलने के लिए देखिए ये इसमें ये पेंच होते हैं, ठीक है. इसको खोलने के लिए शबाब भाई ये पेज खोलो, एल की लगी हुई है. देखो ये, देखो ये दिख रहा है, यहाँ एल की लगी हुई है. तो ये देखिए इसमें ये पेज होते हैं लगे हुए, ये देखिए उधर टाइट होगा. खोलिए खोलिए खोलिए, उधर ही खुलेगा. ये देखिए ये पेंच 3 नंबर एलकी के लगा होता है, मैं पार्शल के ये फोल्डिंग कैम के यहाँ अंदर होते हैं. ये देखिए ये इसके अंदर होते हैं. अब हम इसको शाफ्ट को घुमाएंगे. देखिए एक पेंच खुल गया है ये, और दूसरा पेंच देखिए ये दूसरा पेंच है. तो ये खोलेंगे देखिए ये, ये इसको. तो ये है देखिए, ये दूसरा पेंच है. आराम से ये खोलने में बड़ा मशक्क़त होती है इसमें, क्योंकि यहाँ जगह नहीं होती, ये मशीन का एरिया बहुत कम है. तो ये आसान नहीं होता इसको खोलना या लगाना, तो इसको मुश्किल होता है. तो फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ये फोल्डिंग कैम. इसमें बड़े बड़े पेंच लगा देते हैं ना, इसमें 4-6 का पेंच लगता है, लेकिन पेंच लगा देते हैं इसमें बहुत बड़ा, तो उसको लगाने में और खोलने में दिक्कत होती है. इसमें 3 से 4 चूड़ी का पेंच लगता है, इतना बड़ा नहीं लगता, तो इसलिए मुश्किल होती है इसको खोलने में. तो ये फोल्डिंग कैम है. तो कई भाइयों ने पीछे पूछा था कि ये खुल गए हैं दोनों पेंच. अब ये आसानी से देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अब हम इसको इसे पेचकस से हमारा ये पेचकस से इसको हम निकालेंगे, ठीक है. लेकिन ये कैम जो है फोल्डिंग कैम ये फिक्स वाली है. अब हमें क्या करनी पड़ेगी, ये तोड़नी पड़ेगी. नहीं फिक्स वाली नहीं है, ये बिकट वाली ही है. तो हम इसको निकालते हैं पहले नंबर में. तो देखिए एक हिस्सा निकल गया इसका, ये आपका दूसरा हिस्सा है, ये हमने इसको निकाल दिया. अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे. इसके पेंच जो हैं ये इसमें पेंच लग रहे हैं, तो ये पेंच खोलेंगे. तो अब ये पेंच खोलने के बाद तब पिन निकलेगी हमारी. तो ये पेंच खोलेंगे इससे, टू पेंच कस से खोलो शवाब भाई. तो देखिए पेंच दिखाएंगे, देखिए पेंच पहले ढीले कर लो सारे. तो ये पेंच पहले नंबर में ये खोलेंगे तभी जाके ये क्रेन सेट खुल पाएगा. ये देखिए इसको खोल रहे हैं अभी ये पेंच को, बाहर निकालो पर. हाँ ये काफ़ी बड़ा होता है पेंच. मुश्किल ये है क्रेन सेट.
तो इसमें बैरिंग वगैरह डालने के लिए मशक्क़त थोड़ी सी करनी पड़ती है, तो आसान नहीं होता इसको भी लगाना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की जो है क्रेन सेट के बैरिंग को, जो है छल्ला बैरिंग को किस तरह से लगाया जा सके। तो ये क्रेन सेट का प्लेट है, ये फोल्डिंग कैम की, जिस पर फोल्डिंग कैम कसी जाती है उसकी प्लेट है। पेचकस लगाने में और पेचकस चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत के साथ ये खुलते हैं। तो ये हमने गुटके लगा दिए हैं, गुटके लगाने के भी बहुत आसान तरीका है, आप लगा सकते हैं आसानी से। हमने लगा दिया, आगे इसी वीडियो में गुटके के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे गुटका लगाएँ। ये देखिए तीनों बिल पेज खुल गए हैं। अब इसको क्या करना है, प्लेट, इसकी प्लेट, ये प्लेट जो है ये निकल जाएगी आसानी से। देखिए ये प्लेट निकल गई है आसानी से, और अब क्या करना है देखिए, अब हमें ये देखिए दिख रही है इसमें होता, अब इसको आसानी से हमें निकाल लेना है। ठीक है, ये भी ऐसे निकलेगा, देखिए निकल गया। अब ये इसका बैरिंग है, अब हमें चेक करना, काट के निकालना पड़ेगा पहले नंबर में बैरिंग को। ठीक है, इसको हम काट के निकालते हैं। ये देखिए हम इसको काट के निकालेंगे, ये हमारे पास प्लास है, कटर प्लास, तो हम इसको काट के निकालेंगे अभी। तो इसमें हमें ज़रूरत है दोनों हाथ की ताकतों की, तो हम पहले मोबाइल को रखते हैं, तो एक हाथ से ये देखिए हमने इसको काट दिया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा बैरिंग निकल के आ गया है, ये देखिए ये रहा हमारा बैरिंग, ये निकल के आ गया है, ये हमारा फोल्डिंग कैम दिख गया है, बिल्कुल साफ है। ठीक है, ये रहा, ये हेड के अंदर का है। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कि जो हमारे पास न्यू आया हुआ है, तो हम उसको जो है अभी जो हमारे पास न्यू बैरिंग आया है हम उसको लगाएंगे। ये रहा हमारे पास न्यू आया हुआ है, तो ठीक है ये नया है, जो हम इसको निकालेंगे, तो इसमें कट है, तो इसमें कट है, तो वह आसानी से हम लगा सकते हैं, इसको ऊपर से ही लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, इसमें देखिए हम इसको क्या करेंगे, ऊपर से ही लगा देंगे थोड़ा सा इसको। इसको शार्पन ऐसे लगा दिया और इसको ऐसे लगा देंगे। अब ऐसे ये जो है आपको दिख रहा है चश्मा, तो हम इसको भी ऐसे ही लगा देंगे। ये देखिए इसको पहले नंबर हम लगा के इसको बराबर करेंगे, और इसके ऊपर से जो है हम इसको दोनों हाथों की ज़रूरत है, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए परेशानी है ऊपर से। तो हम इसको देखिए ऊपर लाओ थोड़ा सा चश्मा, इसको 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 हमें लगाना पड़ता है दबा के, लेकिन इसमें जो हमने लगाया है ये इसके पर एक तीली गायब है,
तो हम लगा रहे हैं, इसकी एक तीली गायब है, तो हम क्या करेंगे, तो पुराने वाले की एक तीली लगा देते हैं और क्या करें। कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हमें एक तीली इसकी निकालनी पड़ेगी। इसको बड़ा आसान तरीका यूं करके निकाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। ये देखिए आसानी से निकल जाती है ये, और जैसे इसमें एक कम है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे से लगाएंगे, ऊपर से नहीं लगाएंगे, नीचे से ही लगाएंगे। तो इसको नीचे से लगाने के बाद इसे प्लस से दबा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी लग गई है पिन, ठीक है, इसमें सारी पिनें बराबर हो गई हैं। इसमें एक दो, अभी और दो पिन कम है इसमें, तो इसमें निकाल के लगाएंगे, क्या करेंगे ऐसा के। क्योंकि पिनें ज़्यादातर निकल ही जाती हैं, कैसे भी हो ये पिन निकल जाती हैं, आप कुछ भी कर सकें। तो आप पुराने वाले की लगा दें, दो चार पिनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसकी पिन ऊपर से भी लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नीचे से लगा दें, ऊपर से लगा दें, ऊपर से भी फिक्स हो गई। कहीं से भी, जहां से आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये पिन हमने बराबर कर दी, इसकी सारी लगा दी। अगर इसमें एक भी पिन नहीं रहती तो ये अटकता, ये प्रॉब्लम देता है, परेशानी खड़ी करता है। तो इसलिए देखिए अब हम क्या है, इसमें सारी हमारी पिनें इसकी बराबर हो गई है, ठीक है। अब हम इसको बहुत से ध्यान से लगाने की ज़रूरत है, इसको अब हम इसको इस पर चढ़ा दिए हैं। अब इसकी एक एक पिन चेक करेंगे, पिन सही है, हाँ पिन बिल्कुल सही है। अब हम इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से दबा लेंगे ताकि इसकी पिनें कोई ना निकले, ठीक है, वरना पिनें निकलने का ज़्यादा वो ख़तरा रहता है कि पिनें तो हमारे पास एक देखिए नौ प्लास है, तो नौ प्लास से हम इसकी पिनें जो हैं वहाँ से इसको दो पिनें हम इसकी दबा लेंगे। तो हम इसको आसानी से ये देखिए दबाया हमने, इसको भी आसान नहीं होता लगाना, बड़ी मुश्किल से लगता है, बेरिंग है इसको बिठाना, इसकी पिन को ये आसानी से नहीं बैठता है, इसको बड़ा दबा के हिसाब से बिठाना पड़ता है। ये हमारा ये बैठ गया है, लेकिन ये है इसमें जितनी पिले थे उससे काफ़ी आधी कम हो गई है, तो ये हमारी जाली भी लग गई है इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लगा देंगे, अब ऊपर से फोल्डिंग कैम लगा देंगे, अब हमारी सेटिंग हो जाएगी। तो आप भी लगा सकते हैं इसी तरह, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। ये देख रहे हैं गुटका है, तो ये गुटका सेट लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। ये गुटका सेट है, गुटका सेट का इसमें ये चश्मा भी लगा हुआ है, ये देखिए ये चश्मा भी है, और बहुत आसान है ये लगाना। ये देखिए इसको क्या करना है, देखिए इसको इसमें थ्री पिन लीवर में लगाना है। थ्री पिन लीवर में लगाने के बाद बहुत ये आसान है, तो ये रोड लेनी है, गुटका रोड लगी हुई होती है, तो ये किए आपने ये लेना पैकिंग। तो इस रोड को जो है वह आसानी से अपने इसमें लगाया, ठीक है, ये ऊपर से
लगाने के बाद इसमें एक फाइल डाली, आपने गुटके का सेंटर मिलाया, देखिए गुटके का सेंटर मिला के आपने रोड को नीचे कर दिया। और इसमें एक बैरिंग लगता है, तो ये बैरिंग है इसका और ये है इसकी पैकिंग। तो इसको क्या करना है, पहले नंबर में इसमें पैकिंग लगाना है। पैकिंग लगाने के बाद बैरिंग को सीधा लगाना है, देखिए बैरिंग को लगाया, इसका कट ज़रूर देखना है रोड का, ये देखिए बहुत आसान है गुटका लगाना। गुटके लगाने में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और इसको यहीं मिला के ऐसे यहाँ सेंटर से इसको टाइट कर देना है। ये देखिए काफ़ी टाइट हो गया, अब मैं इसको सेंटर मिला के यहाँ टाइट कर देता हूँ। इसमें 2.5 नंबर इनकी लगती है साइड में, देखिए ये। और लगाने के बाद ये ज़रूर चेक कर लेना ये बैरिंग फ्री है कि नहीं है, फ्री है ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है ठीक है, ये हम देख सकते हैं ये ठीक है। ये बहुत आसान है गुटका सेट लगाने का, तो आप भी लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत बिल्कुल ठीक है, गुटका सेट लगा हुआ है मेरा, बढ़िया बिंदास। तो आप